जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियो लाडलो डाडलियो, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी की नई भर्ती को लेकर है, जो कि आने वाली है 2023-24 में। पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर काफी बच्चों को संदेह है कि सर आप कैसे बता सकते हैं कि ये वैकेंसी अक्टूबर 2023 तक आएगी। एसएससीडी की जो आने वाली भर्ती है अक्टूबर नवंबर, मैंने आपको बताया था नवंबर या दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, मार्च अप्रैल में इसके एग्जाम होंगे ही होंगे, और वैकेंसी भी मैंने बताई थी लगभग 85,000 से ज्यादा पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है, 85,117 से ज्यादा पोस्ट होने वाली है। आज मैं आपको इस भर्ती के पूरे प्रूफ दूंगा। साथ ही अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन गारंटेड बैच अभी से शुरू हो गए हैं, आप उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका एक मोटो भी ध्यान रखना, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता हमारे ऑफलाइन बेच से तो आपकी 100% फीस रिफंड कर दी जाती है लाडलो। अगर आप एकेडमी आना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। हाँ ध्यान रखिए, केवल जो हम इस समय बेच लेते हैं इसी के साथ में ये पॉलिसी जुड़ती है कि सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। अगर आप अंत समय में आते हैं 3 महीने 4 महीने पहले तो उस समय ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रहती है, क्योंकि एसएससी जीडी की इतनी बड़ी वैकेंसी, इतना बड़ा कंपटीशन है, आपको कम से कम 8-9 महीने तैयारी करनी ही पड़ेगी रंज के, ठीक है लाडलो। साथ में आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी भी कॉम्प्लीमेंट्री इसमें हो जाएगी। अब अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एसएससी जीडी का बेस हमारा साल भर चलता है, आप एक बार ज्वाइन करिए और एसएससी जीडी अगली वैकेंसी तक तैयारी करिए उस बेस से, ठीक है लाडलो। अब मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी जो मैंने आपको बताई थी, आपके जो कैलेंडर था, आपने कहा था सर कैलेंडर में अक्टूबर तक ये वैकेंसी नहीं दिखाई हुई, लेकिन आप बता रहे हो कि ये 2023 में ही वैकेंसी आएगी और ये 2023-24 के रहेगी। वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये कब आया था, 5 अप्रैल 2023 को आया था। किसकी तरफ से आया था? गृह मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस आया था। इस नोटिस में बताया गया था कि केवल सीआरपीएफ में 1,29,929 पोस्ट की वैकेंसी खाली है। इसमें पुरुष की 1,25,262 की और महिलाओं की 4,667 की। ये केवल किस किस में है? ये केवल सीआरपीएफ डिपार्टमेंट में। ये ऑनलाइन पड़ा है, गृह मंत्रालय की ऑफिशियल साइट पर ऑनलाइन पड़ा है नोटिस, आप वहां पर जाके भी देख सकते हैं। तो केवल इसमें इतनी पोस्ट रिक्त है जो कि अगली एसएससी जीडी के साथ में जुड़कर आएंगे। अब आप ये बोलोगे कि सर फिर आप 1,29,000 पोस्ट जब सीआरपीएफ में खाली है, आप पूरी वैकेंसी 85,000 के आसपास बता रहे हैं तो ये कैसे? तो मैं आपको बता दूं, जितनी पोस्टें खाली होती है उनकी पूरी फिलिंग एक ही भर्ती में नहीं होती है, आगे भी भर्ती होती रहती है, धीरे धीरे हर सालाना भर्ती में उसकी फिलिंग होती है। लगभग एक साथ 30 से 40% ही जो जितनी पोस्ट रहती है उसकी फिलिंग होती है। अब ये केवल सीआरपीएफ के, इसके अलावा डिपार्टमेंट 8 और है एसएससी जीडी में, उन सब की भी भर्ती होगी और उनको मिलाकर 85,000 पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है। तो अगर आपको तैयारी करना आज से जुड़ जाइए। अब मैंने जो अक्टूबर वाली बात कही थी वो क्यों कही थी, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। ये आप मेरे सामने, आपके सामने जो एक नोटिस है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इस पर क्या लिखा हुआ है, रिगार्डिंग एडवांस प्रिपरेशन फॉर द बेसिक ट्रेनिंग रिक्रूट्स एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम रिक्रूटमेंट 11,169 कैंडिडेट रिक्रूट टेंटेटिवली विल जॉइन इन दिस फोर्स सितंबर 2023 आफ्टर कंप्लीटिंग जीसी लीव फॉर्मेलिटीज। कहने का मतलब एसएससी जीडी की जो अभी वैकेंसी है इसके सीआरपीएफ की जो पोस्टें हैं वो है 11,169। कितनी पोस्ट है? 11,169 पोस्ट है सीआरपीएफ की, और ये सीआरपीएफ की तरफ से नोटिस है कि जो 11,169 पोस्ट है इन बच्चों की ज्वाइनिंग कब होगी? सितंबर में। कब होगी? सितंबर में इनकी ज्वाइनिंग होगी और अक्टूबर में इनकी होगी ट्रेनिंग। ये देखो लिखा हुआ है ट्रेनिंग थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर 2023, यानी अक्टूबर की थर्ड वीक से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब सितंबर तक सारी एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग हो जाएगी एसएससी जीडी 2023 की, तो उसके बाद में एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी ही आएगी। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, आज तक ऐसा हुआ है कि एसएससी जीडी में जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है या ज्वाइनिंग जब रहती है उसी दौरान अगली वैकेंसी आ जाती है। तो इस बार तो इन बच्चों की ज्वाइनिंग सितंबर में हो जाएगी। तो अक्टूबर और नवंबर दिसंबर तक आपकी नोटिफिकेशन 2023-24 वाली वैकेंसी की 100% आ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये जो भर्ती है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी आपके सितंबर में माह में। तो सितंबर माह में इन बच्चों के ग्रुप सेंटरों में ज्वाइनिंग हो जाएगी, इनकी ट्रेनिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, चाहे अक्टूबर में कराए चाहे कभी भी कराए। ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये सीआरपीएफ का ऑफिशियल नोटिस है, समझ गए बात को? तो कहने का मतलब इनका सितंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी और अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के महीने में नई नोटिफिकेशन आएगी एसएससी जीडी की,
और आप आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। 100% आंकड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एसएससी का जो अगला कैलेंडर आएगा उसमें भी आपको सीआरपीएफ की एसएससी जीडी की नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। लाडलो, जय हिंद, जय भारत।